नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से एक बार आपका चैनल आस्क मी एनीथिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट के ऊपर बेस है, जिसका नाम है बेटे ने माँ को बहुत बड़ी धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक माँ के ऊपर सब्जेक्ट है जिसको सुन के आपका आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होगा दोस्तों। और सब्जेक्ट को जाने से पहले आप लोगों को एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। अमेरिका से रवि ने फोन किया। हेलो माँ। माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? ये सुन के माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसी हो? रवि ने कहा, हम दोनों ठीक हैं माँ। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ ने ये सुन के बोला कि क्या? रवि ने कहा, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधार वह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोछे और बेटे से बात करने लगी। पूरी 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर ही जाएगा। फिर क्या, रवि अमेरिका से इंडिया आ गया लेकिन अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। रवि ने कहा, हाँ माँ, अब भी मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अवध बच्चे को सहला रही है। फिर अनन फनन और औने पौने दाम से रवि ने मकान को बेच ही दिया। सावित्री देवी ने वो जरूर सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। फिर रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपट लेता हूँ। ठीक है बेटे, सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार इस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टिकट की लोगे देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। सावित्री देवी ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जाएगा। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है,
अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर से ही चला गया। क्या नाम था आपका बेटा का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आया। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका? क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापसी घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेले कब तक रह पाएंगे? सावित्री देवी ने कहा, यहाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा है तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए दोस्तों। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना दोस्तों। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ कर विनती है, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सबका जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो पर दिया। लास्ट में फिर से एक बार कहने को मेरा दिल चाह रहा है कि माँ तो माँ ही होता है ना। इसलिए माँ के लिए एक गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं। सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर, मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएं हैं उन सब के लिए है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। अपना नहीं तुझे
दुख कोई अपना नहीं, तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे। तू बलहारी अंतरा सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू मामा। बस अब हमेशा हमारे साथ रहना। आई लव यू, बाय। ओके कट टोनी प्लीज, कट कर, मजाक बन रहा है मेरा, कट कट कट। Bye, thank you so much for watching.